Good morning, students. Today we will start our reasoning lesson, letter coding. Letter coding in words, जो जैसे A, B, C, 1, 2, 3, alphabets होते हैं, numbers होते हैं. Coding mean क्या आता है? Coding is a method of transmitting a message between the sender and the receiver without a third person knowing it. Coding is ऐसा मेथड होता था जो सेंडर और रिसीवर में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच यूज़ किया जाता था कोई भी मैसेज सेंड करने को, जिसका कि थर्ड पर्सन को पता ना चले. इसमें क्या होता था, जैसे कि आप देख सकते हो इन दिस क्वेश्चन द, जो रियल अल्फ़ाबेट होता था उसके प्लेस पे क्या है, कुछ और अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता था ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रह सके. जैसे कि जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर दी गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. इसकी जगह लेटर और सिंबल कोड यूज़ किया, जैसे वन को उन्होंने किसकी, वन के प्लेस पे कौन सा अनदर लेटर यूज़ किया एज ए कोड, ए पी आर एक्स स्टार डी एस एन रेट रुपीज़ क्यू, ऐसे प्लेसेस पे जैसे कि कोड लैंग्वेज यूज़ की जाती थी. तो जैसे कि आप नंबर सेकंड पे देख सकते हो यहाँ 1, 2, 3, 0, 5, 8, 7, 4, 2, 6 दिए गए हैं और इसका आपने लेटर और सिंबल कोड राइट करना है, जो कि आप ऊपर से देखकर राइट कर सकते हो. ए का कौन सा आएगा, वन का आएगा ए, नाइन का आएगा रुपीज़ का साइन, ज़ीरो का आएगा क्यू, फाइव का आएगा स्टार. तो आपने क्या करना है, ये टू और थ्री क्या है अपने आप करनी है. ओके, इनमें क्या है कोड लैंग्वेज कोड फिल करना है. और इस एक्सरसाइज में क्या दी गया है आपको, ए टू जेड तक आपको अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उसके नीचे क्या है उनका कोड दिया गया है, ए का एन, बी का जेड, सी का ओ, ऐसे ए टू जेड तक क्या है नीचे कोड्स दिए गए हैं. इन अल्फ़ाबेट के प्लेस पे हम ये कोड यूज़ करेंगे एज ए कोई इंफॉर्मेशन, क्या है टू पर्सन के बीच रहे तो ये कोड यूज़ किया जाता है रियल अल्फ़ाबेट के प्लेस पे. जैसे कि जहाँ पर आप देख सकते हो आपको वर्ड्स दिए गए यूनिफाइड और इसका क्या आपने कोड फाइंड आउट कर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, जैसे UNIFID यूनिफाइड, आपने इसका कोड कहाँ से फाइंड आउट करना, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो. U का क्या आएगा बेटा, U का आएगा G, N का कोड क्या आएगा C, I का आएगा R, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका ऑप्शन B. यूनिफाइड को कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम, G C R X R P Y. नेक्स्ट है आपका BMW, इसको ऑप्शन, इसको करेक्ट कोड फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे, जैसे B का कोड लैंग्वेज क्या दी गई उन्होंने Z, M की दी गई है V, W की क्या दी गई है H, तो ZVH आपका ऑप्शन आएगा D इज अ करेक्ट आंसर. ऐसे बेटर नीचे थर्ड वर्ड है आपका ब्रेन, इसका भी हमने कोड फाइंड आउट करना है, B का आएगा Z, R का आएगा E, A का आएगा N, I का आएगा R और C का आएगा और N का आएगा C. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन A, ZENRC. नेक्स्ट है आपका अलोक, इसका क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, इसकी आपने लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है. A का आएगा कोड N, L का B, KO का T, K का S. तो ऑप्शन B, NBTS इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है आपका जैसे CHA, चैटली, चैटली, इसका क्या आएगा ऑप्शन बेटा, जैसे S, इसका भी क्या है, जैसे हम इसकी कोड लैंग्वेज फाइंड आउट करेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन C. जैसे C का O, H का W, A का N, I का R. सो ऑप्शन B इज अ करेक्ट आंसर. सो आपने ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है कोड लैंग्वेज फाइंड आउट कर टू इन योर बुक.